चलिए साधु जी, साधु जी चलिए। हर आदमी का सहयोग होता है, काम होता है। आप लोगों को करना क्या है? फॉलो करना है, करवाना है, खाली जाते जाते ताकि इसका प्रचार प्रसार हो जाए कि आपको कोई बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं। श्मशान में भोज करें, सारी समस्याओं का निदान आप करके जो देखो करके देखे। रोहित जी इसके दिल से जुड़े हैं, आपने बंदर भोज का चमत्कार देखा कि जी 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 तमाम देखा ना जी, बहुत देखा। तुमने देखा कि नहीं देखा? हम तो बहुत देखा यार, इनके होठ चेहरा देखा बहुत चीज देखा है, ये इन्होंने देखा है, बहुत बार देखा है। तो जो जुड़ा है उसने चमत्कार देखा है। तो आप लोगों को क्या करना है? करोड़ों में फॉलो करो, करोड़ों में करो, कराओ, सारे रिश्तेदारों को फोन मिलाओ। क्यों? इससे भारत की सनातन धर्म की गरिमा बढ़ेगी जी, भारत की एक पहचान होगी, भारत का नाम होगा। नेता कभी नहीं चाहेगा, नेता तो यही चाहता है कि बस हमको जानो जी, अगर कोई राम सचमुच से आ जाए तो उनको और नहीं कर दो जी। ये नेताओं की हमने मानसिकता देखी है, वो किसी पार्टी में हो कमोबेश जी, ये गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है कमोबेश। इसलिए सारा चीज देखो, लोगों को दिखाओ, मन न लगे तो लगवाओ। क्यों? यह चमत्कारी थी, बंदर मेरे गोद में बैठ के मैं छू रहा हूँ, आखिर बात मैं कर रहा हूँ, केवट सामने खड़ा था जी, और थूक दिया हम लोगों के पंडितों के चेहरे पर। क्या गलतता है उसमें जी? अब क्या गलतता है उसमें? तो बस लाओ सोना, लाओ चांदी, लाओ। इतना बड़ा बालक, माँ उसकी मर गई, अरे वो इतना दुखी है जी। अब तुम उनके परिजनों से पंडा लोग सोना लाओ, चांदी लाओ, अंगूठी लाओ, याद भी आई, और ये मूर्ख वहीं मरते हैं। नेताजी वहीं लपक के पैर छूटते हैं, लंगोटा भी इंतजार करते होंगे, यही हुआ हमारे समाज में जी। नहीं जो लोग बाबा लोग जेल के अंदर है ना, जो भी नेता उनके पास गए हो सबको जेल के अंदर डाल दो। काम को कुछ काम करेंगे तो काम को जी, और नहीं कुछ नहीं होने वाला, समझ गए? आज सुनेंगे भूल सब जाओ मरो। यह अयोध्या वाला कांड, इसे देश हमारा शर्मसार हुआ जी, देश हमारा हरा, हिंदू ने हिंदुस्तान को हराया, उसके लिए हर घर से आवाज उठनी चाहिए जी। लेकिन किस कारण हारा है उसको भी बताया जी, कहीं लापरवाही की अभी नहीं की, कहीं हमारे देश आदमी को उनको नहीं दिखाई जी। हमारे देश आदमी का ड्यूटी लगा के एक साल तक हमारा बंधन भोज गया, अब बंदरों को अब शराब लगा है आपसे कई बार मुलाकात की। अच्छा, बाईस बारह डिग्री कॉलेज के हम स्कॉलर थे, आप वहाँ भी गए थे, हम आपके वहाँ भी मिले। अच्छा, एक बार आप हमें आमंत्रित भी किया था, हमारे कार्यक्रम पर रसी गुजरा हमें आप बुलाए हुए थे, पी एन मिश्रा जी भी साथ में थे, उनकी बस से ही आप आए थे ना जी। वही चीज़ें तो आप पता लगी, आपका वो पेपर देख पता लगे कि आप जो है आए हुए हैं, हम उनका मुलाकात कर लेते हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। आज आपकी मुलाकात में भोज किया जी, रास्ते में बड़े मठ में भोज हुआ जी, उसके बाद रास्ते में किया जी, अब अंतिम भोज नहाएंगे करके रवाना होंगे। पूरा लोडर जो है वो तरबूज मिल गया था। अच्छा जी, और लोग ऐसे बेच जाते हैं, पैसा भी नहीं ले रहा जी, तो यही है, और ये महाभोज हुआ। तो साधु जी वो वहाँ पर जो आपकी वाटिका बनी हुई है कि नहीं अभी वहाँ? नहीं, करीब करीब आधे पेड़ तो खत्म हो गए। अच्छा अच्छा, वो बाहर जो पेड़ रहे अभी कुछ पेड़ हैं, नारियल है, चीकू है, अब भी लौंग है, अभी दुर्लभ चीज़ है वहाँ। हाँ, कभी रायबली आइएगा तो वहाँ, हम रायबली जाया करते ना तो हम बताया करते हैं, बिल्कुल आइएगा। नहीं थोड़ा अब देखिए यूट्यूब पर है, एक दो चार परसेंट को दो, अब ये मिला यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे हम देखेंगे आपका? नहीं, आप देखिएगा, आपके गांव में अगल बगल जो दुकानदार हैं उनके यहाँ एक एक पर्चा डाल दीजिए ताकि लोग देखें। इनका क्या है पकड़ाओ, ना मोबाइल चलावे ना कुछ चलावे, या वे मीस मास का बाहर नहीं ले तो वह जाहिर के जाहले रही है, जो इनका मतलब कि चीज नहीं है बेचारी क्या करेगी। आप जो हैं गांव में बड़े दुकानों में कहीं ये इसको रखिए।
इसमें लोग देखेंगे, देख करके धर्म का काम करेंगे। ब्लॉग बनाया आपने? नहीं बनाया है? ब्लॉग बनाया आपने? हाँ हाँ, तो बस सब चल ही रहा है। हाँ, इधर इधर इनको देखा वही अपना पुरानी पुरानी याद को बता दीजिए। अरे हम लोग का रात दिन यही काम है, हम लोग का नगटी है। अपने पुराने याद को बोलो जल्दी। मैं दीपेंद्र जायसवाल, पूर्व छात्र बैसवाड़ा डिग्री कॉलेज। इसके पहले जो है सारू से काफ़ी मुलाकात हुई थी, और काफ़ी दिनों बाद आज फिर जो है आज हम दलमू के गंगा स्नान घाट पे संकट मोचन मंदिर पे दर्शन करने के लिए आए। अचानक जो है मुलाकात हो गई सारू से, और मिल करके बड़ी खुशी हुई, और इनसे काफ़ी कुछ जो है पर्यावरण के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। इन्होंने हमें सीख दिया था पेड़ आप लगाइए। एक बार हम इनके वाटिका में गए थे, वहाँ पे गीता हर्बल ब्यूटी पार्लर ऐसे है ना जी, तो वहाँ हम गए थे, तो काफ़ी मुलाकात भी पूर्णम जी के सामने जी जी। तो आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई कि कम से कम आपसे मुलाकात हुई, और हमें बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। अचानक मुलाकात तो अभी आप... और आपका ये अभी पर्चा ना मिला होता तो ये भी ना जानकारी हो पाती कि आप आए हुए हैं। अभी हमने पूछा तो हमने कहा श्याम सौदी रैबली वाले, कहें हाँ है ना आए हुए हैं। हमने कहा अच्छा आए हो तो चलो अच्छी बात है, एक जमाने के बाद मिल रहे हैं जी। पर्यावरण के बारे में सोचिए, ये लोग ये इनसे पूछिए कि हमने पूरा जीवन लगा दिया। अरे नहीं, इनका आपका ही काम इतना है, कोई भी जानवर हो कुत्ता हो अगर रास्ते में पड़ा हुआ था इंजर्ड है घायल है उसको ला करके अपने घर में सेवा करना, गाय है कोई भी उसे सेवा करना था, हम जहाँ भी बहुत बानर भोज करना करना। आपसे काफ़ी कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ हुआ। अब 18,000 जी, 100 नहीं 18,000 वीडियो इंटरनेट पर हमारा पड़ा जी, 18,000 और उसमें ये नहीं कि बस पैसा लाओ ना, हमने जीवन में फूटी गोली नहीं कमाया, केवल गंवाया है। नहीं नहीं, तो ये तो आपकी बताएंगे। अब आप जानते हैं, आज आप इंटरनेट पर जब खोलिए, मैं कल रात को मैं 12:45 सोया हूँ, 10 बजे से 1 बजे रात तक मैं कल भी लाइव पर था जी। रात में जर्मनी कनाडा अमेरिका के लोग सुन रहे थे, भारत के लोग सुन रहे थे। तो आप जो है इसको जानिए, लोगों को बताइए। नहीं नहीं, आपका चैनल मुझे मिल गया ना, ये आपको मिल गया श्याम साधु एंड श्याम साधु ब्लॉग। ये लोगों को देखिए दिखाइए, क्योंकि यूट्यूब हम भी बनाते हैं, ये आपका है एकदम बिल्कुल। अच्छा, यूट्यूबर हम भी हैं। अच्छा, ये बताइए उसमें आपका वो है अभी कोई स्कूल में नौकरी में है आप? नहीं नहीं, कोचिंग केवल पढ़ा रहे हैं, स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। प्राइवेट जी जी। तो जहाँ प्राइवेट में जाइए वहाँ देखिए धर्म का आप चर्चा करेंगे जी जी। 100 में अगर 5 आदमी ने धर्म किया तो उसका पुण्य आपको भी मिल गया जी। अपने आप ये गाड़ी लेके आए हैं दुकान छोड़ करके जी। अब हमने इनसे पूछा साहू जी से, हम कहा इतना बड़ा पुण्य, एक केवट आ गया केवट यहीं पर, हमने पूछा, हमने कहा इससे बड़ा कोई हनुमान जी का भंडारा है कहीं नहीं नजर। तो हम कहा आप लोग बोलो जो अभी साक्षात बंदर को खिलाओ ना, बाद में हनुमान जी के पास जाओ, पहले सेवा करो। सिख समाज जो सरदार लोग हैं वो पहले सेवा करते हैं, भोजन कराएंगे आप सम्मान में, जूते के आपके पालिश भी करेंगे, अब तब वो गुरुद्वारे जाएंगे। तो वही काम हम लोग भी तो करें। नहीं, नहीं, नहीं। हम लोग तो मरो चाहे जियो बस लाओ। अभी केवट में कहा भाई उसको नहीं मानते, हम दिखा नहीं पंडित जी तो हम भी हैं, हम इन बातों को मानते नहीं, हम सत्यवादी हैं, तभी वही पंडित है जो सच सुने और सच बोले। तो इसका बड़ा ताजी हुआ कि पंडित जी हो के अब पंडित की बुराई कर रहे हैं और सुन रहे हैं। कहने महाराज आप तो धन्य हैं, कहने आपके ऐसा हमने अभी नहीं देखा। पंडित का मतलब है सच कहना और सच सुनना, सत्य मार्ग दिखाना। ये नहीं कि इतना बड़ा बालक रो रहा है, उसकी माँ मर गई है शमशान में, और पंडित जी सोना लाओ चांदी लाओ, और गरीब आदमी मतलब कहाँ पामे वही का, उससे कितना बड़ा आडंबर है। इसीलिए हम लोग मार खाते हैं, हम लोग भेदत होते हैं, यथार्थवादी बनते हैं। ब्राह्मण हैं पंडित हैं तो ज्ञान बांटो, लेकिन करके दिखाओ। मैं सुबह से निकला हूँ, समझ रहे सुबह का, अब यहाँ देखिए अभी 3-4 दिन पहले आप रोजाना हमारा वीडियो इधर लेते हैं, आप तो मिल गए ना जी, तो है ना वीडियो देखेंगे। अगर कोई धनी मनी है तो हमारा ये पैसा सब साथी चला जाए, एक स्क्रीन लगाओ और श्याम साधु के कार्यक्रम चला दो, मंदिर के बाहर चला दो, कहीं दुकान में चला दो, अब तब देखिए उस धर्म का प्रचार होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। गिनीज बुक में आपका नाम बिल्कुल वो है ना, आना चाहिए कि भाई हमने जो काम किया है, हमने तो वर्ल्ड को चैलेंज किया,
पूरी विश्व को, एक बार नहीं 1 करोड़ का मेरे ऊपर इनाम भी तो है। हाँ। अब ये मामली बात तब जिसने घोषित किया है वो जाएंगे ठाकुर साहब, तो चले हम लोग स्नान करें और कोई कार्यक्रम स्कूल में अपने जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों को ये पर्चा दिखा दीजिए ताकि बच्चे नोट कर लें, तो आपको उसका लाभ होगा। नहीं 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 बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पुण्य मिलेगा। और बाकी इतने हुई है जाना माना पेंसर रहा ये और बहुत बड़ा कलाकार जी कहाँ पे जी? अरे यहीं रायगढ़ी में छोटी बाजार में, जमाना बीत गया उस समय आप लोग पैदा भी नहीं थे।